सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट ने केंद्रीय बैंक ने कहा यह फैसला जायज है। आरबीआई के इस आदेश पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट वॉलेट फास्टैग डिपॉजिट टॉपअप को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। आरबीआई के इस बड़े एक्शन के बाद कंपनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की कोशिश कंपनी कर रही है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत कई आदेश दिए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आरबीआई के निर्देशों का तत्काल पालन करने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए आरबीआई के साथ साथ अन्य बैंकों के साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय बैंक के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी से नया कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन मौजूदा ग्राहक अपने खाते से पहले की तरह पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर सेविंग करंट प्रीपेड फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से बिना किसी समस्या से विड्रॉल कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन के बाद कंपनी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कंपनी ने अनुमान जताया कि मार्च तक नई जमा राशि स्वीकार न करने के कारण कंपनी की वार्षिक कमाई 300 से 500 करोड़ रुपए तक का प्रभाव पड़ने का संभावना है। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 20% की गिरावट देखी गई है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।